जी वेलकम बीनफो प्लानट, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं यार। आज एक छोटा सा व्लॉग करना है मैंने, ये है कि आपको थोड़ा सा एरिया दिखाऊंगा। पौन का, पौन के पास है ये राइनजिंग क्राइस में, जहाँ पे मैं रहता हूँ राइनलैंड वेस्ट फालिया में। तो वो यहाँ से हम जाएंगे गाड़ी पे, और गाड़ी पे जाने के बाद वहाँ पे उतरेंगे हम बाद होनफ के ब्रिज के ऊपर, और फिर वहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे व्लॉग। गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी है, तो आप देखते रहिएगा वीडियो को पूरी, आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें, और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। पहले भी बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, लेकिन ये थोड़ी आज डिफरेंट है, मतलब असाइलम के ऊपर ही है। थोड़ी बहुत बात उसमें होगी असाइलम के बारे में भी, लेकिन मेन इसका यही होगा कि ये एरिया में स्प्रिंग का मतलब बाहर मौसम, बाहर स्प्रिंग यहाँ पर कैसा है। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी, यहीं से हम शुरू करेंगे। ये हमारी गाड़ी, तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ हैं इरफान साहब, वो कहते हैं कि मैंने कैमरे पे नहीं आना, उनका कोई है, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी पे, शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो यहाँ से हम चलते हैं और अभी निकलते हैं आगे, वहाँ पे जाके स्पॉट के ऊपर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, और फिर देखते हैं कि क्या सीन है आज का, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग सीजन चूँकि शुरू हो चुका है जर्मनी में, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब ग्रीनरी है हर जगह पे, सब चीज़ें हैं। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। और आज ये मेरा पहले भी मैंने एक ब्लॉग किया था, जो कि कोलोन शहर में मैं गया था, तब भी मैंने एक ब्लॉग किया था, लेकिन वो ज़्यादा इतना कोई नहीं था। मेरा दोस्त था एक मेरे साथ आज़म अली ख़ान, वो तो यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट था, लेकिन अभी वो यहाँ से चला गया है। अभी दोबारा से आज प्रोग्राम है कि कोई ब्लॉग अच्छा सा किया जाए। साथ में हैं जनाब इरफान साहब कैमरे पर, लेकिन वो जो हैं वो कहते हैं कि मैंने वीडियो में नहीं आना पता नहीं क्या मसला है, आगे से दिखाएं। अभी रश का टाइम है काफ़ी, मुझे लगता है छुट्टी का टाइम भी है, जब इस टाइम छुट्टी होती है तो तब भी यहाँ पे काफ़ी रश होता है, यहाँ पे इस टाइम पे गाड़ियाँ भी काफ़ी सड़कों पे होती हैं, लेकिन हमारा इतनी दूर नहीं है जहाँ पे हमने जाना है, हमारा पॉइंट अभी पास ही है। तो मुझे उम्मीद है कि हम अगले 2-4 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का, जर्मनी का जो है वो, अभी ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये ऑन है इशारा, तो हम इसकी वजह से निकल गए हैं, तो हमें यहाँ पे और देर लग सकती थी कुछ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे सिग्नल पे खड़े हैं तो 10 मिनट भी गुजर जाते हैं, लेकिन अभी जो कि किस्मत अच्छी थी तो इसलिए जल्दी जल्दी से हम निकल गए हैं। व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और अभी चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और कोशिश करूँगा मैं कि इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के, मतलब एक एंटरटेनिंग आप भी देख सकेंगे जर्मनी। उम्मीद है कि कैमरा ज़्यादा हिल नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इतना कैसे वीडियो बनाई जाती है, लेकिन फिर भी ये वो एरिया आ गया जहाँ से हमने अभी स्टार्ट करना है, बस 1-2 मिनट और हैं, उसके बाद हम अपने स्पॉट पे पहुँच जाएंगे।
इसी से राइट पे जाएंगे हम यहाँ से और राइट से फिर दोबारा राइट एंड उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने स्पॉट के ऊपर। जी यहाँ से पहुँच गए हैं, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अभी आज का व्लॉग जो है, तो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और बात असल में यह है कि यार असाइलम सीकर्स के हालात जैसा कि पता है कि कुछ यहाँ पे जो बुंदेलखंड है वहाँ पे मैंने सुना है, जैसा कि पहले जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहा हूँ कि पेपर्स वो मतलब वीज़ा दे रहे हैं डोलडुंग पे शिफ्टिंग डोलडुंग कुछ लोगों को जो यहाँ पे पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, तो मैंने सुना है कि कुछ जगहों पे ये होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी कंफर्म मतलब मैंने नहीं देखी है। जो पहले मैंने वीडियो में एक में ये बताया था कि मेरे एक दोस्त को उसने मुझे लेटर दिखाया, वो बिल्कुल बात कंफर्म थी, लेकिन अभी ये है कि इस चीज़ का मैंने सुना तो है किसी से, लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि हो गया है, लेकिन ऐसा होना तो है, क्योंकि अगर ये बात थी तो फिर तो ज़रूर होनी है ये बात, इसलिए अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, बिल्कुल वही चीज़ है। आप देखें पीछे बिल्कुल अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे गर्मियाँ चूँकि आ रही हैं, मौसम बहार है, तो हर तरफ ग्रीनरी, ये जो आप देख रहे हैं नीचे सारा, यहाँ पे हम क्रिकेट हमने काफ़ी खेली और इतनी खेली यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ मैं, अभी तक वहाँ पर घास जो है वो सही से दोबारा से उगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे पाकिस्तानीज और इंडियंस सारे लोग हम मिलके क्रिकेट खेलते रहे हैं। नॉर्मल तो ये क्रिकेट का ये ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे चूँकि कोई और जगह नहीं थी और यहाँ पे होता भी नहीं है कोई ग्राउंड क्रिकेट अच्छी तरह से, तो इसलिए फिर हमें यही एक जगह मिली थी, यहाँ पे हम खेलते रहे हैं। तो अभी ये देखें ये सारा ग्राउंड आप देखें पीछे, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये, और इसके इधर इस साइड पर सारी ये राइन है, मतलब राइन जो नदी है उसको दरिया है, दरिया टाइप एक रिवर, और इधर ये सारा एरिया जो है ये देखें इधर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा घास जो है थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है, ये सारा हमने किया हुआ है पहले, और यहाँ पे जो यहाँ पे की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने हमें मना किया कि यहाँ पे आप क्रिकेट ना खेलें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है इसकी, इनका जो सारा एरिया है घास वगैरह इनकी ख़राब होती है, क्योंकि ये क्रिकेट के लिए ये मैदान नहीं है, यहाँ पे कभी कभी छोटे बच्चे आके फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, और लेकिन क्रिकेट भी अगर खेली जाए तो ये काफ़ी बड़ा है आप देख सकते हैं इधर। तो आज इधर ये वीडियो है एक छोटी सी, मतलब एक जस्ट एक आउटिंग के लिए और ये बताने के लिए कि तो यहाँ पर काफ़ी सारी गेम्स होती हैं। अभी देखें यहाँ पर हमें एक चीज़ मिली है, क्या कहते हैं उसको हम अपनी ज़बान में, तो इसको चिड़ी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे कोई खेलता रहा है, तो ये अगर कोई यहाँ पे इधर रहता है यहाँ पे इस एरिया में बाद होनफ के एरिया में, ये साथ बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ ही आगे एक स्विमिंग पूल है, अभी जब गर्मियाँ चूँकि स्टार्ट हो गई हैं तो अभी यहाँ पे रश शुरू हो जाएगा काफ़ी लोगों का, और ये फुल रहता है पूरा वीक ही, जो कि एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी है लोगों के लिए, मेरा तो ख्याल है कि ये खुल चुका है शायद, अभी भी मुझे लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये एरिया जो है बाद होनफ का, चूँकि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे ये 2 हिस्सों में है, एक जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इस साइड पे एक रिवर है उसके उस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, और उस साइड का जो एरिया है उसको कहते हैं गिडियनबर्ग, वो भी इसी का ही बाद होनफ में ही आता है, और ये जहाँ पर हम रहते हैं ये भी चूँकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े मतलब ये है, तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पे पढ़ते हैं स्टडी करते हैं, और कंट्रीज़ के भी, अभी इस साल भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं पाकिस्तान से तो आते रहते हैं और इंडिया से भी, तो यहाँ पे वो भी इसी मतलब सिटी में है वो यूनिवर्सिटी IUBH। तो इसके अलावा यहाँ पे ये बात होना जो है ये मुझे लगता है कि यहाँ पर जो नॉर्थन वेस्टफालिया का जो एक कह लें कि बहुत ही अमीर तरीन शहरों में से एक है, यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिशियंस भी हैं और लोगों के काफ़ी बड़े बड़े विले हैं यहाँ पे, लोग रहते हैं यहाँ पे,
और काम के मौके, चूँकि ये एक गांव टाइप है तो इसलिए काम के मौके यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं हैं। छोटे मोटे एक दो रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैकडोनल्ड्स भी है, और वैसे भी हमारे देसी कुछ लोगों के भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लेकिन इतने ज़्यादा यहाँ पे काम के मौके नहीं हैं। इसके बिल्कुल साथ ही है बॉन, जो कि काम के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा सिटी है, और यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले के ऊपर कलोन है, कल जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी काम के बहुत ज़्यादा मौके हैं। लेकिन और फिर अगर थोड़ा और आगे चले जाएं तो डुसेलडॉर्फ है, वो भी तकरीबन कह लें यहाँ से 70 किलोमीटर के एरिया के ऊपर है यहाँ से, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे काम के मतलब मौके हो सकते हैं बजाय इसके कि आप। और मैं ये वैसे सजेस्ट करूँगा, अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे आना चाहता है, कोई भी है, तो बजाय इसके वो किसी गांव में रहे, बेहतर है कि आप किसी शहर में रहें, किसी सिटी में या किसी के मतलब सिटी के आसपास रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गाड़ियों की मतलब ये है कि ट्रैफिक की आमोदरफ्त और सब चीज़ों की सहूलियत आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, बजाय इसके कि आप किसी छोटे गाँव में रहें। जैसा कि यहाँ पे बाद ऑनफ में हम लोग रहते हैं, तो मेरे पास चलो गाड़ी है, लेकिन अभी मैंने ली है, वो भी पहले तो ऐसे ही था, 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी बस नहीं आती, ठीक है, मतलब शाम को 8 बजे के बाद। नॉर्मल शहरों में तो रात 2-2, 3-3 बजे तक गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब वहाँ पे इतना मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बाद ऑनफ में रात को 8 बजे के बाद बड़ी गाड़ी ट्रेन तो आती रहती है, लेकिन ज़ाहिर है आपको बस के ज़रिए ही बाद उनके अंदर एरिया में जाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे मसला बनता है। तो बेहतर है कि एज़ अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे IUPH में आते हैं तो कोशिश यही करें कि आप बॉन में रहें, या फिर कलोन तो थोड़ा दूर पड़ जाएगा, लेकिन बॉन तो फिर भी ट्राम के ऊपर, ट्रेन के ऊपर आपको 30-35-40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, और लेकिन वहाँ पे काम के बहुत अच्छे मौके हैं बॉन में। मैंने देखा है कि और भी मैंने शहर काफ़ी सारे यहाँ पे देखे हैं पास पास के, लेकिन बॉन मुझे लगता है कि पास पास में यहाँ पे कह लें कि 100 किलोमीटर के एरिया में बॉन जो है ये बेस्ट है काम के लिहाज से, और वैसे भी, और यहाँ का और जो असाइलम सीकर हैं उनके लिए हौसला नबी हुरडे के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इसका हौसला नबी हुरडे इतना अच्छा नहीं है, रानजीक मतलब जीकबुर्ग का, यहाँ पे बहुत तंग किया जाता है असाइलम सीकर्स को। तंग से मुराद ये है कि जो रिजेक्ट है उसको तो हर जगह पे ही मसले हैं, लेकिन ये जो बॉन का जो हौसला नबी हुरडे है या रानजीक जीकबुर्ग का है वो इतना कोई अच्छा नहीं है, वहाँ पर तो मसाइल रहते हैं काफ़ी लोगों को, और उस हवाले से आप देख लीजिएगा कि उस हवाले से ये अच्छा मतलब ये जो है एरिया जीकबुर्ग का, ये जीकबुर्ग में आता है क्राइस में बाद हुनफ, और यहाँ पे एक हाइम भी है जिसको कहते हैं, जहाँ पे रेफ्यूजीज़ काफ़ी रहते हैं, तो उस हवाले से भी ये कोई इतना अच्छा एरिया नहीं है असाइलम के लिहाज से, लेकिन अगर स्टूडेंटों के हवाले से देखा जाए तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर आप देखें पास बिल्कुल ये राइन है, और भी बहुत सारे यहाँ पर अच्छे मौके हैं काम के लिहाज से, आपको पास में मिल जाएगा बॉन जाने के लिए, और अगर आपके पास गाड़ी है आप अगर यहाँ पे आप गाड़ी ले सकते हैं तो आप और आगे जा सकते हैं कलोन, और अच्छे काम के वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये था कि मैंने कहा चलो छोटी सी एक वीडियो अपलोड करते हैं, यही थी आज की वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, और नीचे कमेंट में आप अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप